मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 28 जनवरी के इस करंट अफेयर की क्लास में, जो कि हर दिन का करंट अफेयर आपको सुबह के 6 बजे दिया जाता है आपके इसी चैनल वाइट एजुकेशन पे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो वाइट एजुकेशन का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जाकर अभी के अभी, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, करीब 10 प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन इनके जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसको अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो करीब 10 के बदले 50 क्वेश्चन आपको कवर अप हो जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ 4 या 5 क्वेश्चन अटैच होते हैं जो कि आपको यहाँ बताए जाते हैं। तो रोज करेंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलें हमारे साथ 6 बजे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे रेड कलर के बटन को दबा के, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए चयन किया गया है? तो देखिए, ये चयन किया गया है दोस्तों शनिवार को, ठीक, याद रखिएगा शनिवार के दिन, यानी कि जो 26 जनवरी से एक दिन पहले इनको चयनित किया गया है। इनमें चुना गया है दोस्तों, ये फिल्म अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की कलाकारा हैं, कंगना रनावत, ठीक है। इस बार इनको पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए इनको चुना गया है, और इनके साथ साथ कुछ फिल्म मेकर हैं और कुछ सिंगर्स हैं जिनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। जी हाँ, एक हैं करण जौहर और दूसरी हैं यहाँ पे एकता कपूर, जो कि एक तो फिल्म निर्माता है, वैसे फिल्म निर्माता ये भी हैं पर टीवी सीरियल्स में भी इनके ज़्यादा वर्चस्व हैं, इनके ज़्यादा सीरियल्स बनाए हैं इन्होंने। अगली बात करते हैं यहाँ पे जो सिंगर्स हैं, एक हैं पाकिस्तान के अदनान सामी, जो कि ये विदेशी ऐसे हैं जिनको फिर से इस बार सम्मानित किया गया है, और वो भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो इस बात पर बहुत विवाद चल रहा है अदनान सामी को यहाँ पर पद्मश्री देने पर, ठीक है। और ये हैं सुरेश वाडेकर जिनको ये सम्मान दिया गया है पद्मश्री का, ठीक है। दोस्तों यहाँ से इतना काफ़ी है, क्वेश्चन यहाँ से किसको किसको मिला है तो ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय इस्पात मंत्री, देखिए केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कर्मचारियों की स्वच्छता, परोपकारी गतिविधियों, वॉलेंट्री फिलेनथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शुरुआत हुई है दोस्तों सर्विस पोर्टल की, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व होता है। लेकिन यह पोर्टल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल के कर्मचारियों को परोपकारी गतिविधियों की व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देने तथा सेवा प्रदान करने में बहुत मदद करेगा। किसकी? तो सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी के लिए जो केंद्रीय हमारे इस्पात मंत्री हैं कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, नाम नोट कर लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सेल का हेडक्वार्टर पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली होता है। इसके CEO जो हैं ये अनिल कुमार चौधरी हैं। एग्जाम में अक्सर CEO के बारे में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके कंपनीज हैं उनके CEO के बारे में। इसका स्थापना जो हुआ है दोस्तों, स्थापना एक्चुअली ये 19 जनवरी को 1954 में इसको फाउंड किया गया इस कंपनी के लिए, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी सब्सिडरीज कंपनी है राउरकेला स्टील प्लांट, NSPCL और भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत इस पोर्टल की क्यों की गई? क्योंकि इसमें जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके माध्यम से, इसके माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पोषण के क्षेत्र में योगदान देंगे, ठीक है। चलिए, और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने, देखिए ये 4 एयरलाइंस आपके ऑप्शन में है, किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? तो देखिए अब यहाँ पे निजीकरण हो रहा है अपने देश में, बहुत सारी सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेटाइजेशन होते जा रही हैं, ठीक है। तो ये निजीकरण हुआ है दोस्तों एयर इंडिया का, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, और इसने सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए अपनी आपको आमंत्रित किया है। इसके तहत बिडिंग प्रक्रिया जो हुई है उसमें जो क्वालिफाइंग करेंगे उन्हें 31 मार्च तक, ये डेट नोट कर लीजिएगा,
है ना 31 मार्च तक, ये क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है ना, 31 मार्च तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और जो हमारे गृह मंत्री हैं, कौन है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, ठीक है। तो अमित शाह ने, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह एक मंत्री का समूह बनेगा जो कि 7 जनवरी बन चुका है, जिसकी 7 जनवरी को इसकी सरकारी विमान कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। ये दो कंपनी है जिसपे की 80 हजार करोड़, ये हजार हो गया और ये करोड़ हो गया, 80 हजार करोड़ रुपए तक का बकाया हो चुका था, जिसके चलते इसके निजीकरण का निर्णय लिया गया है, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये इसका लोगो है एयर इंडिया का, और इसके बारे में जान लीजिए, इसके सीईओ जो है अभी फिलहाल प्रदीप सिंह खरोला है, नोट कर लीजिएगा। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एयर इंडिया लिमिटेड है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होता है, ठीक है। चलिए, इतना याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रदीप सिंह खरोला, ये जो कि इनके सीईओ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मिजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज, देखिए दवाइयों का डोज है ये, आपूर्ति की है। तो भारत ने अभी हाल ही में, ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में किसको, तो मालदीव को, नोट कर लीजिएगा, 30,000 से अधिक मिजल्स और रूबेला वैक्सीन दवाओं की आपूर्ति की है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है। WHO ने 2017 में मालदीव को खसरा मुक्त देश घोषित कर दिया था, लेकिन इस वर्ष फिर से मालदीव में इस बीमारी ने अपना एक बहुत ही बड़ा प्रकोप फैला दिया है, और भारत और मालदीव के पुराने संबंध जो थे वो बहुत ही घनिष्ठ हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसको करीब 100 बेड यहाँ पे गिफ्ट किया है, जी हाँ, जो कि मरीजों के लिए भेजा गया है सुविधाएं देने के लिए, और यहाँ पे एक कैंसर अस्पताल भी बनाया जा रहा है भारत की तरफ से, ठीक है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी पिछले वर्ष 2017 में इसको खसरा मुक्त बताया गया, लेकिन इस बार फिर से ये बीमारी ने, खसरा ने बीमारी ने मालदीव में क्या किया है, तो अपना प्रकोप फैला दिया है। आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, मालदीव अगर आप इस मानचित्र में ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा, ये पॉइंट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये पॉइंट है मालदीव का, ये श्रीलंका है, ये भारत का मानचित्र है आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये मालदीव है, तो समंदर के बीच में है ये टापू, ठीक है, मालदीव। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मालदीव है, ये है ना, ये भारत है, ये श्रीलंका है, और ये मालदीव है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, मालदीव की कैपिटल जान लीजिए माले है, और करेंसी क्या है यहाँ की, तो रुपिया है ना, मालदीवियन रुपिया, ये रुपया ही कहलाता है, लेकिन मालदीवन वो रुपिया है वहाँ का अलग होता है। ये कॉन्टिनेंट किस में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की, तो दिवेही है, क्या है, दिवेही है, ओके। चलिए इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आप भी आंसर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे आंसर करना चाहते हैं तो, लेकिन कीजिएगा, शायद ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह सकती हैं, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 25th of January। भारत में हर साल 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे। मतदाता दिवस का आरंभ हुआ था दोस्तों 2011 में, ठीक है, याद रखिएगा कब, 25 जनवरी 2011 में। किसने शुरुआत की थी, तो ये शुरुआत की थी दोस्तों हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, इनका नाम पूरा होता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, इनका पूरा नाम है, और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया गया था। किस लिए किया गया, तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI, है ना, भारत इलेक्शन कमीशन जो है की स्थापना आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करने के लिए 2011 में किसने, तो पूर्व राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा पाटिल जी ने इसको शुरुआत की थी। और इस साल 2020 का एक क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है, है ना, तो दिवस जहां भी आए
वहां उसका थीम जरूर याद करें, है ना। तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, है ना। चलिए तो ये लिख लीजिएगा यहां पे, इसका थीम है ये इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 2020 का। ओके काफी यहां पे आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे, किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने का कानून पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अब ये देश है इजराइल, नोट कर लीजिएगा यहां से आंसर ए हो जाएगा। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होते हैं दोस्तों बेंजामिन नेतायू, और इसका कैपिटल सिटी है जेरूसलम, और करेंसी होती है यहाँ के शेकेल, है ना, न्यू शेकेल है ये, इजरायली न्यू शेकेल है। जिन्होंने यहाँ पे दोनों देश के बीच एक बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के असर को दिखा गया है, इसके तहत इजरायली अब आधिकारिक तौर पर क्या हज के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे उमराह जैसे धार्मिक आयोजनों का हिस्सा भी बन सकते हैं, और इसके अलावे वहाँ पे बिजनेस ट्रिप के लिए भी ये सऊदी अरब जा सकते हैं। हालांकि इजरायली नागरिक पर किसी तरह का अगर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, वही लोग जा सकते हैं। ठीक, देश के लोग अगर देखा जाए तो मजहबी कामों के लिए यानी कि उमरा और हज के लिए ही सऊदी अरब जाते हैं, फिर वहाँ पे कारोबारी वजह से भी करीब 90 दिन के लिए ये अनुमति दी गई है। ठीक है, 90 दिन तक आप वहाँ इजरायली जो है जाके रह सकते हैं या फिर अपना बिजनेस के ट्रिप को कर सकते हैं जाके। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये वो इजराइल है ना, इतना ही बड़ा देश है ये। ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये भौगोलिक दृष्टि से आपका जो इसका पड़ोसी मुल्क है जॉर्डन, इजिप्ट है इधर, टर्की है, सीरिया है, इराक है ना, ये बहुत ही ऐसे इलाके में इजराइल है ना, और ये चुनौती देता है अमेरिका को। बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत विकसित देश है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है 7। हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक, ठीक है, अब देखिए एक्जिम बैंक के बारे में क्वेश्चन बनता है क्योंकि बैंकिंग वाले जो छात्र हैं यहाँ पे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसने किस देश के लिए $35.8 मिलियन यानी कि कितना हो जाता है दोस्तों, $124.98 मिलियन रुपया करेंसी में, है ना, मिलियन है ये, समझ लीजिएगा। ठीक, तो इतना रुपये का क्रेडिट जारी किया है दोस्तों, आपको बता दें ये है सूरीनाम। जी हाँ, यह लाइन ऑफ क्रेडिट सूरीनाम के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु इसको जारी किया गया है। किसने किया है, तो एक्जिम बैंक ने। एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो ये मुंबई होता है। इसके सीईओ कौन है, तो डेविड रश्कियाना है, और इसको कब बनाया गया, 1 जनवरी 1982 को इसको फाउंड किया गया था एक्जिम बैंक को, ये देख सकते हैं इसका लोगो। ठीक, अब यहाँ पे सूरीनाम जो है एक कंट्री है, ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, सूरीनाम एक कंट्री है जिसका कैपिटल है पारामारिबो, है ना, और इसकी करेंसी होती है डॉलर, सूरीनेम डॉलर इसको नाम से जाना जाता है, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग अभी ज़्यादा नहीं है, 5 लाख के करीब लोग हैं, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के देसी ब्यूट्रेस, नोट कर लीजिएगा देसी ब्यूट्रेस, और यहाँ डच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसको मैप में, कि सूरीनाम जो है ये वो कंट्री है, बस इतना सा है ना, ये ब्राजील है, ये बोलिविया है, ये वेनेजुएला है, और ये कोलंबिया है, और ये सूरीनाम है। ठीक है, देख लिया आपने, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए नेपाल ने। सागरमाथा जो है ये नाम रखा गया है, सागरमाथा यानी कि सागरमाथा जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसको कहा जाता है नेपाल में, और सागरमाथा के ऊपर चर्चा करने के लिए ये मीटिंग रखी जा रही है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको यहाँ पे इस फोरम में बुलाया गया है। इनके अलावा यहाँ पे कौन कौन जाएंगे, तो इस फोरम में पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री इमरान खान को न्योता दिया गया है, और इनके अलावा जो भी जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता के लेकर भविष्य
कि चर्चा करने वाली चीज़ों को लेकर यहाँ पे इन पड़ोसी मुल्कों को यहाँ पे बुलाया गया है। इस फोरम का आयोजन इस साल अप्रैल में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना, सागरमाथा कब होगा? तो अप्रैल में इसकी चर्चा होगी। नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया है कि सागरमाथा संवाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और इस साल का ये जो थीम है इसका, है ना, सागरमाथा का जो बैठक का थीम है वो क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ये दोनों ही इसके थीम है। ठीक है, इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जैसा कि मैंने आपको बताया, समेत दक्षिण देशों के यानी कि 10 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है सागरमाथा, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसका कार्यक्रम का नाम रखा गया है सागरमाथा संवाद। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है इसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, जो कि एक दोस्ती का प्रतीक बताते हैं इस नाम को। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से इतने हैं काफ़ी। अब देखिए नेपाल के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ का कैपिटल काठमांडू है, रुपीस होता है यहाँ का रुपया, मतलब जो है, लेकिन ये नेपाली रुपीस होता है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम नोट कर लीजिएगा, केपी शर्मा ओली है और विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए, और ये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा नेपाल है। ठीक है, भारत का पड़ोसी मुल्क है ये, बिहार के कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र यहाँ से इसकी बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महान एनबीए खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये घटना है दोस्तों 26 जनवरी की, यानी कि परसों की ही। ठीक है, ये हाल ही में, ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों। कौन? तो कोबी ब्रायंट, नोट कर लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा। दिग्गज अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी है ये, और इनकी बेटी की, जो कि बहुत ही छोटी थी, और उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ब्रायंट की गिनती जो है ये बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में की जाती है। इन्होंने अपने नाम एनबीए में, जी हाँ, एनबीए में 5 बार खिताब अपने नाम कर रखा है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये लिख लीजिएगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है यहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, और बराक ओबामा में ने भी यहाँ पे शोक व्यक्त करते हुए इनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि वो क्षेत्र ये हैं, वो कोबी ब्रायंट जिनकी मृत्यु हुई है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ से उड़ान भरा है जॉन वाइन से एयरपोर्ट से, और ये हेलीकॉप्टर क्रैश करने का जो एरिया है वो ये रहा। ठीक है, और ये लॉस एंजलिस होते हुए विमान गया और इस क्षेत्र में आके ये क्रैश किया है। ठीक है, तो ये एरिया है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रशिया और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का शुरुआत का आयोजन किया गया है? बिल्कुल, तो रूस और भारत के बीच हुआ है ये गंगा वोल्गा वार्ता। ठीक है, आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस किसके द्वारा, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कि रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इसकी वार्ता को संपन्न करेंगे, और इस इवेंट में भारत और रशिया के कई विद्वानों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया गया है। मुखर्जी जो हैं वो शिक्षाविद और चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रह चुके हैं। मुखर्जी जो हैं ये इस धारणा के प्रबल समर्थक रह चुके थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों रशिया के बारे में, तो कैपिटल सिटी होती है इसकी मॉस्को, रूबल इसका करेंसी है, और यहाँ पे मात्र अभी 14.5 करोड़ कह सकते हैं 2017 में इसकी जनसंख्या बताई गई थी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वलादिमीर पुतिन, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट से मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियों में आप हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन दोस्तों के लिए जिनको ये सारे क्वेश्चन मिल सके और वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।